हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम जिस मूवी के अपडेट की बात करने वाले हैं वो है आला वेकेंटम पुरुमुलो की हिंदी ट्रेलर कब आने वाली है, और इसकी हम जो नेक्स्ट अपडेट की बात करने वाले हैं इसकी जो सॉन्ग है वो हमें उसी तेलुगु वर्जन पे ही देखने को मिलेगी या हमें मिलेगी हिंदी वर्जन पे, जैसे कि पुष्पा के साथ में सभी सॉन्ग के साथ में किया गया था। सभी लैंग्वेज में उसके डबिंग की गई थी और उसे रिक्रिएट करके हमारे साथ में बिग स्क्रीन पर प्रेजेंट किया गया था हमारे सामने में। इसी की अपडेट के बारे में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलती है मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो चलते हैं सीधे हमारे वीडियो की अपडेट की तरफ। तो अपडेट यही आ रही है, मनीष शाह ने साफ साफ हमारे जो जानने पता आपको गोल्ड माइंस के सीईओ, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो मूवी है आला वेकेंटम पुरुमुलो इसकी हिंदी ट्रेलर 20 जनवरी मतलब कि कल हमें देखने को मिल जाएगी हमारे ऑफिशियल गोल्ड माइंस के चैनल्स पर। और उसके बाद करें हमारे इसकी हिंदी सॉन्ग आने वाली है या तो तेलुगु में, तो आप लोगों को मैं बता दूं ये मूवी की जो सॉन्ग है वो हिंदी पे देखने को आप लोगों को नहीं मिलेगी, इसे आपको तेलुगु वर्जन को ही देखने को मिलेगा। क्यों, और मैं आपको बता दूं जो इसकी सॉन्ग्स वो इतनी ब्यूटीफुल है कि आप लोग अगर इसे हिंदी में क्रिएट करना चाहेंगे ना तो वाइब्स वो मिस हो जाएगी सॉन्ग्स पे, वो लव जैसे कि बुट्टो मुंबा आपको सॉन्ग पता है इतनी सुपर डुपर हिट का, अगर हम रिक्रिएट हिंदी में करेंगे तो वो फील नहीं मिल पाएगी हमें, वो हमें उसी वर्जन पे ही सुनने को मजा आएगा। लोगों को पता ही होगा जो बाहुबली है जिससे हर लोग इंडियन सिनेमा नहीं बाहर के सिनेमा वर्ल्ड वाइड उस मूवी को सबको पहचान दिलाई थी इंडियन सिनेमा में उस मूवी के बारे में, वो उसके बाद सेकेंड जो हाईएस्ट ग्रोसर साउथ सिनेमा में जो मूवी है वो ये है आला वेकेंटम पुरुमुलो। तो आप लोग सोच सकते हैं फिल्म कितनी बेहतरीन होगी और हमें इससे 2 साल से वेट कर रहे हैं। तो भाई आप लोग भी एक्साइटेड जरूर रहिएगा, ये भी मूवी मतलब कि धमाका मचा के ही जाएगी, क्योंकि इस मूवी का भी आप लोग को पता होगा पुष्पा अभी भी सिनेमाज में चल रही है और अच्छी खासी कलेक्शन कर रही है। तो ये मूवी आने के बाद तो मतलब कि एक और तहलका ही मच जाएगा। तो कुछ भी आप लोगों को लगता होगा इसके बारे में मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और बने रहिए मेरे चैनल पे दोस्तों, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।